हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें दिया हुआ है ऑन ए सर्कुलर टेबल कवर, ऑन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड बाय लीविंग बाई अ गर्ल लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कवर्ड एरिया ऑफ द डिजाइन यूज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है, उसका रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। उस सर्कुलर कवर के बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाता है। ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बन जाता है कुछ इस तरीके से, बीच से एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दिया जाता है। डिजाइन इज फॉर्म्ड बाय लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कवर्ड एरिया ऑफ द डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल का सेंटर और इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों कोइंसाइड करेगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक सेक्टर बन गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक सेक्टर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये तीनों एंगल इक्वल होगा, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है सेंटर, और सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो तीन हिस्से में बट गया, तो ये 120 120 120 का ये तीनों एंगल हो जाएगा। तो इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, और जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा और उतना ही इसका भी एरिया होगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का तो एरिया ऑफ ये पूरा सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या आ गया, 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 120 डिग्री होता है रूट 3/2, तो वो हमें पता होना चाहिए पहले से। थीटा 120 बाई 360 इंटू पाई की जगह पे बोला है 22/7 यूज करने के लिए आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस दिया हुआ है 42, तो 42 × 42 माइनस 1/2 42 × 42 × साइन 120। ठीक है, तो 120 से तो ये कट गया 3 बार में, और 7 से कट जाएगा ये 6 बार में, 3 से कट गया ये 2 बार में, तो ये आ गया 22 × 42 × 2। ठीक है, 22 × 42 × 2 माइनस 2 से कट जाएगा ये 21 बार में, तो 21 × 42 × साइन 120 हो गया √3/2, तो 2 से ये भी कट गया 21 बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया 22 × 2 ये हो जाएगा 44 × 42 माइनस 21 × 21 441√3। एक सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 44 × 42 करना, तो इसमें से 42 × 44 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16। ठीक है, आ गया, और फिर अगेन 168, तो 8 8 6 14 का 4 1 6 7 1 8 4 8 माइनस 441 को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 441 √3 का वैल्यू यूज़ करना है, 173, तो ये आ गया 3 1 3 3 4 12 2 1 3 4 12 और 1 13, फिर 7 1 7 7 4 28 2 कैरी 7 4 28, ये हो गया 301 से 441, 3 7 8 9 8 1 9 3 12 2 1 2 4 6 4 3 7 माइनस 7 6 2.93। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 1 8 4 8 माइनस 7 62.93, तो यहाँ 0.00 लगा लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा 0.07,
ये बन गया 7 में से 2 गया 5, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 7 में से 7 गया 0 और ये आ गया 1, तो ये आ गया 1085.07। ये आ गया एक सेगमेंट का एरिया, ठीक है, ये आ गया इस पार्ट का एरिया। तो तीनों डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 1085.07 इंटू 3। तो थ्री टू फाइव फाइव पॉइंट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ डिजाइन 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।